हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा जिसका हम इसी वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम देखेंगे। आपका जो पेपर रहेगा 19 सितंबर को रहेगा, इंग्लिश का पेपर कक्षा 9। स्टूडेंट्स, क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2024-25, इसका पूरा सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका सेक्शन ए रहेगा। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। सेक्शन ए आपको देखना है। देखिए, साथ में मैं आपको बता देता हूँ इस पैसेज को क्या करना है, आपको रीड करना है, जिसके बाद में इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, उनके आंसर मैं आपको यहीं बताऊँगा। देखिए, पैसेज आपको ध्यान में रखना है। अगर ये पैसेज आपको पेपर में देखने को मिलता है, ललिता सेव्ड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो इस प्रकार आप लगाएंगे, जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन, तो यहाँ पर आपका आंसर सीड्स हो जाएगा। दूसरे वाले की बात करें कि व्हाट डिड सी नॉट अलाउ, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें आप लगाएंगे कंपोस्ट, इसमें आप लगा देंगे, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें कंपोस्ट। तीसरे वाले में, व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, कंपोस्ट। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टीनी, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर स्मॉल हो जाएगा। और वाई वेयर द सिस्टर्स हैप्पी, तो बिकॉज ए टोमेटो ग्रेव इन देयर गार्डन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है पैसेज नंबर हमारा दूसरा आएगा यहाँ पर, जिसको भी पढ़ना है स्टूडेंट्स, इस पैसेज को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। सरदार पटेल वाज कॉल्ड ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर भारत का आयरन मैन कहा जाता है किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। और सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। और विच ऑफ दिस इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रफ, इसका आपका हो जाएगा स्मूथ। वन कुड रेली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड डिफिशियंट, तो इसमें आपका एडमिनिस्ट्रेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक फॉर्चून, इस प्रकार इसका आंसर आपका लक का हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको क्या करना है, नोट्स बनाने और सुटेबल टाइटल आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। तो आपने नोट्स बनाना सीखा होगा, बता देंगे, और टाइटल भी इसको आप में इसमें आपको बता देंगे, जिसके बाद में क्वेश्चन नंबर आप सभी देख लेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, अपने प्रिंसिपल को लिखना है, चरित्र प्रमाण के लिए, सीसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन लिखेंगे, और यहाँ पर सिक लीव का एप्लीकेशन यहाँ पर नीचे वाले में है, तो ये दोनों एप्लीकेशन आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है 180 शब्दों में, इसका आंसर देना है। वंडर ऑफ साइंस लिखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, या एन इंडियन फेस्टिवल, कोई सा एक निबंध आपको यहाँ पर लिखना है, जिसके बाद में क्वेश्चन नंबर आप अगला देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पर फिलिंदा मिलेंगे मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर सन राइसेस इन द ईस्ट, इसमें द आएगा, और आई डिड नॉट बाय मैंगोस एनी, और ही इज, इसमें एन आएगा, इंजीनियर। वी टू वॉच द मूवी यस्टरडे, तो इसमें आपका वेंट हो जाएगा, और देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, इसमें मच हो जाएगा, और दे कंप्लीटेड देयर वर्क, इसमें है हो जाएगा। इस प्रकार खालिस्तान भर लेंगे आप, और यहाँ पर आपको
आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये सभी डुअर्स डायरेक्ट रहेंगे। इसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका आंसर आपको सभी मिल जाएंगे। जिसके बाद में ये आपकी किताब के सभी क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पर एक्स्ट्राट और देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 में। ये जो आपका एक्स्ट्राट है इसको आपको आंसर बताना है, जैसे कि इसका वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो इन दिस हाउस, और हाउ इज द पोएट ऑफ दिस पोएम द रोड नॉट टेकन, तो इसका रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हाउ ओल्ड इज मार्गी, तो यहाँ पर कितने वर्ष की थी वो, 11 वर्ष। और वेयर डिड बिस्मिल्ला प्ले द सहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा उसमें लगाएंगे आप आंसर अपना सही रेड फोर्ट, आप इसमें करेक्ट आंसर अपना लगा लेंगे रेड फोर्ट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आप 10वीं में देखेंगे, इसमें भी एक एक्स्ट्राट है, इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, द लेसन फ्रॉम विच द अबव एक्स्ट्राट हैज़ बीन टेकन इज, इसमें भी आप जो आपने आंसर जो लगाएंगे वो लगाएंगे द साउंड ऑफ म्यूजिक, और व्हाट इज़ ज़ाइलोफोन, तो इसका राइट आंसर आप जो लगाएंगे अपना राइट आंसर इसमें आप करेक्ट उत्तर इसका जो रहेगा स्टूडेंट्स, पहला वाला इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द नाउन फ्रॉम ऑफ वुडन, तो इसमें आपका वुड हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो ये बी वाला रहेगा, इसमें भी वही रहे, इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे कुछ आंसर क्वेश्चन रहेंगे, उनका आंसर देना है। व्हाट डज येलो वुड मीन, तो इसका ऑटम आपका राइट आंसर रहेगा। और वाई वाज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बट द रोड्स। और फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो ये जो लाइन ली गई है, ली गई द रोड नॉट टेकन वाली कविता से। जिसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 में सभी आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं, इनको अच्छे से रीड कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, दो दो नंबर के और तीन तीन नंबर के क्वेश्चन आपके ये हैं। स्टूडेंट्स ये हो चुका है हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको बताना है तो टेलीग्राम पर हम बता देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।